रामपुर जिलाधिकारी अजन्य कुमार सिंह ने सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने कहा कि आशा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बरसात के दौरान फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने आसपास पानी का भराव न होने दें, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें ताकि मच्छर सहित अन्य हानिकारक कीट न फैल पाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि शौचालयों का प्रयोग करें, उबला हुआ पानी पीने एवं मच्छरों से बचाव करना ही संचारी रोग पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ग्राम प्रधान को भी निर्देश दिए हैं कि दवाई व छिड़काव कराया जाए जिससे कि रोगों को नियंत्रण किया जा सके। के साथ काम होगा, कम से कम पब्लिकली ये चीजें नहीं दिखनी चाहिए और जहाँ पे प्रतिबंधित है वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी इस्तेमाल नहीं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं का छिड़काव पिछले 5 सालों से नहीं। हाँ, इस बार इसीलिए मेरा जोर है, इस बार मैंने इसकी समीक्षा भी की और सबको बताया भी है, ANM और ग्राम प्रधान को इसके लिए जिम्मेदार बनाया है। सिर्फ छिड़काव ही नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ संभव फॉगिंग भी कराएं, इसलिए मैं ग्राम प्रधानों से मिल रहा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि बारिश जब पूरी तरह शुरू होती है उससे पहले हम कम से कम ये कार्रवाई कर लें और उसके बाद भी 2-3 चरण में कार्रवाई करें। सर, हैंडपम्प भी काफ़ी तादाद में ख़राब पड़े हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी। जहाँ जहाँ हैंडपम्प ख़राब है वहाँ पर रिबोर की कार्रवाई की जा रही है, जहाँ जहाँ सूचना आ रही है वहाँ पर जैसे जैसे ग्राम पंचायतों के पास निधि हो रही है उसमें हम कर रहे हैं, ज़्यादातर हम फोकस जो फंड है उसको उसी तरफ मोड़ रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि सिर्फ हैंडपम्प से पानी ना आवे, उस पानी को उबाल के पीने की आदत है ना, इसको हम विद्यार्थियों में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं।